हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की पुस्तक सेकंड लैंग्वेज दूसरी भाषा और उसका सातवां पाठ जो कि एक कविता है सूरज के ऊपर। आज चर्चा करेंगे इस कविता के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सूरज सूरज, पूर्व पूर्व, सवेरे सवेरे, दिशा दिशा, डायरेक्शन, संकट संकट, गर्मी गर्मी, बिजली बिजली, सर्दी सर्दी। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे खबर समाचार, उसको हम बोलते हैं संदेशा, पश्चिम पश्चिम, लगातार निरंतर, छिप ढल जाना, शिक्षा शिक्षा, इंसान इंसान, सांझ शाम, संध्या, सूरजी ऊर्जा सौर ऊर्जा, सोम स्रोत, उजाला या रोशनी मतलब उजियारा। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उत्तर, सूरज के निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। ख, सूरज किस दिशा से निकलता है? उत्तर, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। ग, सूरज किस दिशा में छिपता है? उत्तर, सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार या पांच वाक्यों में लिखें। क, सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? उत्तर, पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज हमें सुबह उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वह हमें बताता है कि सदा नई खुशियों और आशाओं के साथ जीवन को जीना चाहिए। आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है, इस संकट से उभरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है? उस बारे में अपने विचार लिखें। उत्तर, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है, इस संकट से उभरने के लिए कवि ने सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने का विचार सुझाया है। आगे चित्र में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को पर्याय चुनकर लिखें। जैसे सूरज के लिए हम कौन कौन से जो शब्द हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने सूर्य या भास्कर या दिनकर, सुबह की जगह प्रात, प्रातःकाल या सवेरा, संदेशा की जगह खबर, समाचार या सूचना, संध्या की जगह सांझ, सायंकाल या गोधूली। आगे छेवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अंतर समझो। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा है दिशा, उसका स्थान हो गया, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। वैसे दिशा एक लक्ष्य भी होता है, जैसे आपके जीवन का या जीवन की दिशा क्या है। संध्या का मतलब शाम होता है, वह संध्या के समय मेरे घर आया। संध्या का मतलब बुढ़ापा भी होता है, जीवन की संध्या बड़ी कष्टकारक होती है। सातवां, संयुक्त व्यंजन से नया शब्द बनाएं।
जैसे छुट्टी से मैंने मिट्टी बनाया है, वैसे शिक्षा से मैंने बनाया है भिक्षा, वैसे ही संध्या से मैंने जो शब्द बनाया है वो है मध्य, पश्चिम से बनाया है मैंने पश्चात, स्रोत से बनाया है मैंने अजस्त्र। आगे आठवां प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। क, आजकल बिजली के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। अपने अध्यापक की सहायता से सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के नाम पता करें और उनके उपयोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे आजकल सूरज ऊर्जा से हम सोलर कुकर भी यूज करते हैं। यदि आपको कोई और आंसर मालूम है तो मुझे और बाकी सब बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि आप लोगों को कितना ज्ञान है। आगे चलते हैं। ख, सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित होने की मान्यता से संबंधित कौन सा पर्व उत्तर और पूर्वी भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, सूर्य के उत्तरायण होने की मान्यता से संबंधित उत्तर और पूर्वी भारत में मकर संक्रांति पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। आगे दिए गए शब्द संकेतों के आधार पर बताएं कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा है, तो चलिए उत्तर पढ़ लेते हैं इसका। यदि सूरज ना होता तो धरती पर गहन अंधकार रहता, धरती को सूरज की रोशनी ना मिलने से वर्षा नहीं होती, वर्षा ना होने से खेती संभव नहीं होती, खेती ना होने से प्राणियों को भोजन नहीं मिलता, प्राणियों को भोजन ना होने पर धरती पर जीवन ही संभव नहीं होता, अतः प्राणियों के जीवन के लिए सूर्य का होना, उसकी रोशनी का फैलना बहुत आवश्यक है। आगे जानिए दिशाएं, तो आप किताब में देख सकते हैं जो अलग-अलग दिशाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे ये वाली जो दिशा है ऊपर वाली वो है उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और इधर पश्चिम। तो उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा है उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, आगे चलते हैं। दसवां प्रश्न है यहाँ पर, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द लिखें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लाने का है निकला, अगला है उजियारा, उसके बाद अगला शब्द है फैलाता, चौथा है पश्चिम, पांचवा है घबराता, छठवां सूरज, सातवां निरंतर, आठवां सुबह और नौवां शब्द बनता है सवेरे। ठीक है, आगे बताया गया है अध्यापन निर्देश। पहला, अध्यापक बच्चों को बताएं कि छुट्टी शब्द में त व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ है। यह व्यंजन खड़ी पाई से रहित है, अर्थात इसमें खड़ी पाई नहीं होती। ट, ठ, ड, द, ह ऐसे व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का जब संयुक्त रूप लिखना होता है तो सुविधा के लिए पहले व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। दूसरा, अध्यापक बच्चों को श स को अलग कर समझाएं कि क प्लस श को मिलाकर श संयुक्त व्यंजन बनता है और सर
को स और र के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, सूरज किस दिशा से उदय होता है? उत्तर, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण से? उत्तर है पूर्व से। दूसरा, सूरज किस दिशा में अस्त होता है, छिपता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में? उत्तर है पश्चिम में। तीसरा, सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? क, देर से उठने का। ख, सुबह उठने का। ग, सोने का। घ, जागने का। उत्तर है ख, सुबह उठने का। चौथा, सूरज हमें क्या शिक्षा देता है? क, आगे बढ़ने की। ख, रुकने की। ग, चलने की। घ, उगने की। उत्तर, आगे बढ़ने की। पांचवा, सूरज कविता के आधार पर बताएं कि सूरज के निकलने से क्या फैल जाता है? क, गर्मी। ख, सर्दी। ग, संदेशा। घ, उजियारा। उत्तर घ, उजियारा। तो ये था इस कविता का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।